कोरोना काल का प्रभाव एनसीसी के कार्यक्रमों पे भी पड़ा है। जबलपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाम से सोमवार को एनसीसी कैंप की शुरुआत हुई। 26 सितंबर तक आयोजित इस वर्चुअल कैंप में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र के कैडेट भी हिस्सा ले रहे हैं। कैंप में जहां वो एक दूसरे की संस्कृति, खान पान और भाषा के बारे में जानेंगे, वहीं नई शिक्षा नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से भी रूबरू होंगे। जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया और कहां पे आयोजित किया गया, क्या होगा? आज दिनांक 21 सितंबर से 26 सितंबर 2020 तक एक भारत श्रेष्ठ भारत तीन कैंप का आयोजन डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। यह जो कैंप है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एनसीसी डायरेक्टरेट एवं महाराष्ट्र डायरेक्टरेट के संयोजन में किया जा रहा है। यह कैंप एडीजी एनसीसी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मेजर जनरल संजय शर्मा एवं ब्रिगेडियर आर के चिकारा ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर जबलपुर के संयोजन में किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्षों तक एनसीसी के सारे कैंप्स ऑफलाइन या हम बोले जमीनी स्तर पर किए जाते थे, जहां पे हमारे कैडेट्स हमारी फोर्सेस संबंधित डिफरेंट एक्टिविटीज एवं कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये कैंप्स बहुत ही मददगार साबित होते थे। परंतु हम सभी इस बात से भली भांति वाकिफ हैं, कोरोना COVID-19 महामारी के कारण यह कैंप्स संभव नहीं हो पा रहे हैं। डीजी एनसीसी के सौजन्य से इस वर्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, जो कि पूरे हिंदुस्तान में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कि हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सभी एनसीसी कैडेट्स एक दूसरे की कल्चरल हेरिटेज, रीति रिवाज, खान पान, पर्यटन से रूबरू होते हैं। हमारा जो कैंप है यहाँ पे मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ जो कि होस्ट डायरेक्टरेट है एवं महाराष्ट्र एक गेस्ट डायरेक्टरेट है, जिसके कि 100-100 कैडेट्स दोनों डायरेक्टरेट्स के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे अपने कार्यक्रम को कुछ इस तरह विभाजित किया है कि हमारे कैडेट्स दोनों राज्यों की सांस्कृतिक विरासत, रीति रिवाज, खान पान से रूबरू हो सके एवं इसके साथ साथ अभी जो वर्तमान में नया टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वर्तमान भारत का जो अभी सबसे टॉपिक मुद्दा चल रहा है नई शिक्षा नीति एवं इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, यह भी हम इस कैंप में शामिल करेंगे एवं इसके साथ एक क्विज का भी इस कैंप में आयोजन किया जाएगा। यह कैंप एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर जबलपुर द्वारा 1 MP आर्टिलरी रेजिमेंट के संयोजन से किया जा रहा है। कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए आज के कार्यक्रम में? आज के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के 100 कैडेट्स ने एवं महाराष्ट्र के 100 कैडेट्स एवं साथ ही साथ दोनों डायरेक्टरेट्स के ANOs, GCI स्टाफ भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। देखा जाए तो क्या उद्देश्य है इस तरह कार्यक्रम करने का? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है दोनों राज्यों के जो हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं उनको एक दूसरे की संस्कृति, रीति रिवाज, खान पान, जीवन शैली से परिचित करवाना है। शुभनाम, मेरा नाम डॉक्टर जसपाल सिंह बक्का। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।